हाय फ्रेंड्स, दिव्य ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज राय। आज की वीडियो में हम भक्ति काल के बारे में जानेंगे। भक्ति काल के बारे में हम क्या क्या चीजें जानेंगे उसकी चर्चा थोड़ी सी मैं कर देता हूं। यहां पर भक्ति काल के बारे में हम जानेंगे कि इसका समय क्या था, भक्ति काल को और किस नाम से जाना जाता है, भक्ति काल को क्या कहा जाता है हिंदी साहित्य का, इसके बाद भक्ति काल के शुरू होने के पीछे क्या कारण थे, प्रमुख कारणों की हम चर्चा करेंगे। इसके बाद भक्ति काल किन शाखाओं में विभक्त हुआ, उन शाखाओं के प्रमुख कवि या लेखक या रचनाकार कौन कौन से लोग थे और उनकी रचनाएं क्या थी, तो इतनी चीजों के बारे में आज की वीडियो में चर्चा की जाएगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टीजीटी के एग्जाम के लिए, पीजीटी के उम्मीदवार जितने हैं उनके लिए और साथ ही साथ यूजीसी नेट के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं नेट परीक्षा के लिए, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए इसका पहले काल देख लेते हैं, ये कब शुरू हुआ और कब तक चला। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का की जो गणना है वो विक्रमी संवत में है। उनका कहना था कि विक्रमी संवत 1375 से लेकर के 1700, विक्रमी संवत 1700 तक, क्योंकि उन्होंने वीर गाथा काल या आदिकाल का जो समय निर्धारित किया था वो 1050 से लेकर के 1375 किया था, और भक्ति काल का समय जो उन्होंने निर्धारित किया था 1375 से 1700। अब विक्रमी संवत और ईस्वी संवत में 57 साल का फर्क होता है। अगर हम इसमें से 57 साल माइनस कर दें तो वो ईस्वी सन मालूम पड़ जाएगा। 57 इसमें से माइनस कर दीजिए, ये 15 हो गया, 15 में से 7 जाए 8 निकल गया, 8 बचा, और ये 6 हो गया, 6 में से 5 गया 1, और ये 13 वैसे ही आ गया, तो 1318 ये ईस्वी में बदल गया, ईस्वी सन। ईस्वी सन 1318 से लेकर के 1700, अब ये 1700 विक्रमी संवत है, इसको भी हम सन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से 57 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1643, 57 ईयर्स माइनस करेंगे इसमें से तो ये हो जाएगा 1643। इसका मतलब ये हो गया कि 1318 से लेकर के 1643 ईस्वी तक भक्ति काल चला। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। उसके पीछे भी कई कारण थे, क्योंकि वीर गाथा काल में जहां पर कवियों और रचनाकारों का ध्यान अपने आश्रयदाताओं के प्रति या किसी संप्रदाय को पढ़ाने के प्रति, चाहे वो सिद्ध संप्रदाय रहा हो, नाथ संप्रदाय रहा हो, जैन धर्म के प्रचार प्रसार यानी धार्मिक प्रचार प्रसार तक सीमित था, और या तो आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा या तारीफ में जो कविताएं गढ़ी गई या की गई या काव्य लिखे गए उन तक ही सीमित रह गया था हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में एक अमूलचूल परिवर्तन भक्ति काल में देखने को मिला। इस भक्ति काल को हम पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं, पूर्व मध्यकाल के नाम से भी इसको जाना जाता है। आप जान लीजिए, भक्तिकाल के प्रारंभ के पीछे तीन प्रमुख कारण नजर आते हैं। राजनैतिक कारण पहला जान लेते हैं कि राजनैतिक कारण क्या था। राजनैतिक कारण यह था कि मुस्लिम शासकों का बाहुल्य होता जा रहा था पूरे भारत में, यानी मुस्लिम शासक भारत पर अधिकार करने लगे थे, और वे क्या करने लगे थे, वे हिंदू धर्म से संबंधित चीजों, मूर्ति पूजा, मंदिरों का मूर्ति पूजा के विरोधी थे, वे इस्लामिक धर्म और उसके प्रचार प्रसार पर ज्यादा बल देते थे, मूर्तियों का खंडन करते थे, मंदिरों को तोड़वाते थे, पूजा पाठ में विघ्न डालते थे, पूजा पाठ पर रोक लगाते थे। तो इसलिए एक राजनैतिक कारण आ गया कि इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार पर इस्लामिक शासक जो थे, मुस्लिम शासक, उनका बल ज्यादा था, वो बड़े कट्टर मुस्लिम शासक थे। तो एक राजनैतिक कारण यहां ये देखने को मिल जाता है। दूसरा सामाजिक कारण देखने को ये मिलता है, कि समाज में तरह तरह की बुराइयां पैदा होने लगी थी, जैसे धर्म के नाम पर आपस में मतभेद पैदा होने लगे थे, ऊंच नीच की भावनाएं, जाति प्रथा, ठीक है, और तमाम तरह की बुराइयां, चाहे वो सती प्रथा रही हो, चाहे एक तरह से कह लें कि छुआछूत की भावना रही हो, अस्पृश्यता की भावना, तमाम तरह की धार्मिक
समाज में सामाजिक बुराइयां बहुत तेजी से पनपने लगी थी। तो बहुत सारे ऐसे रचनाकार हुए जिन्होंने अपनी कविता के माध्यम से इन सब आडंबरों का, दिखावों का, सामाजिक कुरीतियों या बुराइयों का विरोध करना शुरू किया। तो एक सामाजिक कारण तो यही था कि समाज में तरह तरह की बुराइयां पैदा हो गई थी, धर्म को लोग आडंबर के से जोड़ने लगे थे, दिखावा ज्यादा हो गया था, तंत्र मंत्र और टोटके ज्यादा हो गए थे समाज में। और जैसा कि मैंने कहा, ऊंच नीच की भावना, धर्म का एक धर्म का दूसरे धर्म के प्रति द्वेष की भावना, जाति प्रथा के कारण ऊंची जाति वालों का छोटी जाति या निम्न जाति के लोगों के ऊपर अत्याचार करना, तो तमाम तरह की बुराइयां समाज में फैल चुकी थी। अगला कारण, धार्मिक कारण। अब जब लोग इन सब सारी चीजों से त्रस्त थे तो जाहिर सी बात है कि उनका ध्यान ईश्वर की तरफ मुड़ने लगा। एक धार्मिक कारण यह बना। तो ये तीन प्रमुख कारण थे भाई। आदमी परेशान होता है तो ईश्वर की तरफ जाता है, ईश्वर की तरफ झुकाव बढ़ता है। तो इन लोगों ने अब किसी राज्य परिवार को, राजघराने को अपना आधार मान करके, उसका राजाश्रित हो करके, धन अर्जन करके, उनकी तारीफ में, उनकी प्रशंसा में, उनकी प्रशस्ति में गीत गा करके अपना जीवन बिताना उचित न समझ करके ईश्वर की शरण में जाना ज्यादा उचित समझा। यही कारण था धार्मिक। ठीक है, तो चलिए अब हम जानेंगे कि भक्ति काल किन शाखाओं में विभक्त हुआ, वो जान लीजिए। देखिए, भक्ति काल दो प्रमुख शाखाओं में विभक्त हुआ। एक तो था सगुण, सगुण भक्ति शाखा, भक्ति काल डिवाइड हुआ, एक सगुण में हुआ, पहला सगुण हो गया और दूसरा हो गया निर्गुण भक्ति शाखा। ये दो प्रमुख शाखाओं में भक्ति काल डिवाइड हो गया, बट गया। सगुण भक्ति शाखा में वे कवि आए जो कवि या रचनाकार या कवयित्रियां ईश्वर को साकार मान करके उनकी पूजा किया, ईश्वर को निराकार नहीं माना, उन्होंने ईश्वर को शक्तिमान, दयावान, सब पर दया करने वाला, परम तेजस्वी, सभी जगह विद्यमान और मूर्तिमान माना। तो इसमें भी आगे चलकर के दो शाखाएं हुई। दो शाखाएं कौन कौन सी हो गई? एक तो हो गई रामाश्रयी, रामाश्रयी सगुण भक्ति शाखा, रागुण रामाश्रयी शाखा, और दूसरी हो गई कृष्णाश्रयी शाखा। यानी ईश्वर को साकार मान करके उनकी पूजा तो की गई, इसमें भी दो तरह के की शाखाएं बनी। एक थी रामाश्रय, यानी राम को अपना ईश्वर या आराध्य मान करके कविताएं लिखी गई और उनकी पूजा में, उनकी अर्चना में, उनकी भक्ति में काव्यों की रचना की गई। और दूसरा है कृष्ण को अपना आराध्य मान करके। तो सगुण में जहां ईश्वर को साकार मान करके भक्ति की गई या उनकी भक्ति में कविताएं लिखी गई या काव्य लिखे गए, वह दो प्रकार के थे। एक तो राम को आराध्य मान करके और दूसरा कृष्ण को मान करके। अब राम को आराध्य मानने वाले में आप पहला नाम किसका लेंगे? इसके प्रमुख कवि हैं हमारे तुलसीदास जी, तुलसीदास जी। ठीक है, अब तुलसीदास के अलावा इसमें नाभादास हैं, ईश्वरदास हैं, केशवदास हैं। तुलसीदास के अलावा नाभादास, केशवदास और ईश्वरदास, ठीक है, सारे दास हैं। कौन कौन से? नाभादास, ईश्वरदास, केशवदास और तुलसीदास। याद करने की ट्रिक, सब में दास है,
हालांकि एक दास यहां भी मिलेंगे आपको, ठीक है। अब यहां रामाश्रय शाखा में तुलसीदास आ गए, नाभादास आ गए, केशवदास आ गए, ईश्वरदास आ गए, ये प्रमुख कवियों की मैं बात कर रहा हूं। कृष्णाश्रय में देख लीजिए, कृष्णाश्रय शाखा के प्रमुख कवि थे सूरदास जी, सूरदास। सूरदास के बाद आ गई आपकी मीराबाई, बिहारी, रसखान, तो सूरदास, सूरदास जी बिहारी, मीराबाई बिहारी और रसखान, कौन कौन से लोग हो गए? सूरदास, रसखान, बिहारी, मीराबाई। एक और जोड़ सकते हैं आप इसमें रहीमदास जी, ठीक है। रहीमदास का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है, उनकी मैं बात कर रहा हूं। ये अकबर के नवरत्नों में से एक नवरत्न भी थे। अब आ जाते हैं हम निर्गुण भक्ति शाखा में। निर्गुण भक्ति शाखा क्या थी? ईश्वर को निराकार ब्रह्म माना गया, ईश्वर को साकार नहीं माना गया, ईश्वर को घट घट में व्याप्त माना गया लेकिन निराकार, जो दिखता नहीं है। इसमें भी दो शाखाएं बटी, एक तो थी ज्ञानाश्रय, ज्ञानाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय को हम क्या कहते हैं? संत काव्य धारा, ठीक है, संत काव्य धारा। अब इसके कवि कौन कौन से हो गए? पहले कवि जो मुख्य कवि हैं वो हैं कबीरदास जी। अब देखिए दास यहां भी मिला, यहां भी मिला, यहां भी मिला, तो सूरदास और कबीरदास को अगर हम छोड़ दें तो जितने दास हैं वो रामाश्रय शाखा के। कबीरदास ज्ञानाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा क्या थी? ज्ञानाश्रय शाखा में ज्ञान के माध्यम से ईश्वर की भक्ति की गई। इनकी जो रचनाएं थी, इन्होंने जो कविताएं लिखी, जैसे कबीरदास का लिखा हुआ जो एक ग्रंथ है, इसको इनके इनके एक तरह से कहें शिष्य ने एक ग्रंथ का रूप दिया था, उसका नाम था बीजक, जिसके तीन हिस्से थे, या हम कह सकते हैं जिसमें तीन पार्ट थे, तीन भाग थे, साखी, सबद और रमैनी। साखी कहते हैं साखी आखी ज्ञान की, मतलब साखी यानी साक्षी, तद्भव शब्द है साखी, और जिसका तत्सम होता है साक्षी, ठीक है, साक्षी यानी गवाह, ठीक है। तो इनके द्वारा एक तरह से कहें तो नैतिक ज्ञान दिया गया, ठीक है। भक्ति इन्होंने कैसे की? ईश्वर की भक्ति। ज्यादातर इस ज्ञानाश्रय शाखा के या संत काव्य धारा के जो कवि हुए, उन्होंने अपने को स्त्री मान करके, यानी प्रियतमा मान करके, पत्नी मान करके और ईश्वर को पति मान करके आराधना की। एक तो चीज ये भी देखने को मिलती है। दूसरी बात, अद्वैतवाद की भावना थी, ठीक है, जहां ये इस तरह की भक्ति करना चाहते थे कि ईश्वर यानी परमात्मा और आत्मा मिलकर के एक हो जाए, अद्वैत की भावना वाली बातें करते थे। तो इसमें कबीरदास आ गए, नानक जी आ गए, ठीक, कबीरदास आ गए, नानक आ गए, रैदास जी आ गए, ठीक है। ये जो कवि थे, कबीरदास, नानक और रैदास, इसमें एक कवि महाराष्ट्र के नामदेव जी, संत नामदेव, बड़ा नाम इनका फेमस है महाराष्ट्र, ठीक है। ये प्रमुख कवि आपके ज्ञानाश्रय शाखा के हो गए। इसके बाद आ जाती है हमारी प्रेमाश्रय शाखा, जिसको हम सूफी काव्यधारा कहते हैं। सूफी काव्यधारा, इसमें कौन कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी थे, कुतुबन थे, मंझन थे, ठीक है, और मुल्ला दाऊद, दाऊद इब्राहिम का नाम आपने सुना है। मुल्ला कौन लोग होते हैं? जो नमाज वमाज पढ़ाते हैं। तो मुल्ला और दाऊद दोनों का नाम जोड़ दीजिए, मुल्ला दाऊद, ठीक है। तो मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी,
मुल्ला दाऊद और क्या कुतुबन और कौन मंझन, ये प्रमुख कवि थे प्रेमाश्रय शाखा के। ठीक है, अब मलिक मोहम्मद बजासी के बारे में आप थोड़ी जानकारी जानते ही होंगे कि अभी कुछ ही दिनों पहले कुछ महीनों पहले कह सकते हैं एक पद्मावत इनकी जो लिखी हुई रचना थी उस पर एक फिल्म बनी थी जिसके बारे में काफी विरोध हुआ था, राजस्थान के लोगों ने काफी उसका विरोध किया था। उसमें रानी पद्मावती के बारे में कहा गया था कि कुछ गलत दिखाया गया है, तमाम सारे की चर्चा थी। तो वो जिस काव्य पर आधारित फिल्म थी वो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, और कभी अगर हो सके तो मलिक मोहम्मद जायसी की लिखी हुई उस महाकाव्य को आप पढ़ने की कोशिश करें, बहुत बढ़िया है। और उसमें देखिए किस तरह से उनके त्याग का वर्णन किया गया है। ठीक है, जौहर जो किया था महारानी पद्मावती ने। तो अब हम जानेंगे कि ये जो सगुण भक्ति शाखा के रामाश्रय कृष्णाश्रय या निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय के कवि हैं, इन लोगों ने कौन कौन सी रचनाएं किया। ठीक है, तो आइए उनकी रचनाओं को हम जानें। अब मित्रों हम देखेंगे कि रामाश्रय शाखा के कवि और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। रामाश्रय शाखा में मैंने आपको बताया कि तुलसीदास, नाभादास, ईश्वरदास और केशवदास ये प्रमुख कवि हैं। तुलसीदास जिसमें सर्वोत्कृष्ट है, जिनसे हम कह सकते हैं कि रामाश्रय शाखा के तरह से कहें तो प्रमुख कवि माने जाते हैं। तुलसीदास जी द्वारा कई रचनाएं लिखी गई। अब इनकी एक प्रमुख रचना है जो कि आप सभी जानते हैं, सर्वविदित है, रामचरितमानस, जिसको इन्होंने वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि द्वारा जो संस्कृत में रामायण लिखा गया था उसका एक तरह से कह सकते हैं तो अनुवाद किया इन्होंने। अब उसको अनुवाद किया कि इन्होंने अवधी भाषा का सहारा लिया था। अवधी भाषा में ये लिखा गया है रामचरितमानस, जिसमें कुल मिलाकर के 7 कांड हैं। ठीक है, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, ये सब उसके कांड हैं। ठीक है, बाल कांड सबसे पहला कांड है, बाल कांड के बाद अयोध्या, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, ये 7 कांड यानी 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 7 हिस्से बनाए गए हैं। एक कहानी कहीं से खत्म होती है तो दूसरी वहां से स्टार्ट होती है। तो रामचरितमानस एक बहुत ही छंदबद्ध और बहुत ही परिमार्जित और बहुत ही बढ़िया रचना है जिसका प्रचार प्रसार पूरे उत्तर भारत में इतना तेजी से हुआ कि अब तो ये तो पूरे भारत में फैल गया है, लेकिन उत्तर भारत में इसका प्रचार प्रसार बहुत तेजी से था। आज भी लोग अपने घरों में कीर्तन और रामायण करवाते हैं तो रामचरितमानस का पाठ करवाते हैं। रामचरितमानस में आपको चौपाई और दोहे, खास करके 2 छंद जरूर देखने को मिलेंगे। हालांकि उन्होंने बीच बीच में कई और छंदों की रचना की है, संस्कृत के श्लोक भी डाले हैं। जैसे उत्तर कांड में आप नमामि शमीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशवासम भजिहम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोति तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम। तो ये जो स्तुति की भगवान शिव की, ठीक है, वो संस्कृत में भी बीच बीच में देखने को मिलती है। तो राम के चरित्र का इन्होंने पूरी, राम के चरित्र की पूरी व्याख्या की है बाल कांड से लेकर के उत्तर कांड तक। अब इसके बाद इनकी दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका में जिसमें इन्होंने सभी तरह के देवी देवताओं की प्रार्थना या विनय की है जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई है। ये अवधि है रामचरितमानस। प्रथम रचना ऐसा लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा इन्होंने लिखा, जो श्री गुरु चरण सरोज मुखर सुधा वर्ण रघुवर विमल जोदायक फल चार बुद्धहीन तो जान के, आप लोग अच्छी तरह से आता होगा, जानते होंगे, उसको मुझे बोलने की जरूरत नहीं। तो रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, रामलला नाचु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वरवै रामायण, वैराग्य संदीपनी, ये सब उनकी रचनाएं थी तुलसीदास जी की। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी महानता ऐसे कवि में रही होगी कि चौपाई छंद में ऐसा कहा जाता है कि जिसमें 4 चरण होते हैं और हर एक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। कोई भी चौपाई आप उठा करके देख लीजिए, चाहे वो हनुमान चालीसा की हो और चाहे श्री रामचरितमानस की हो,
किसी भी कांड की चौपाई आप ले लीजिए, हर में आपको चौपाई का रूल प्रॉपर देखने को मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात थी। अब जबकि हम मुक्तक छंद में कविताएं लिखते हैं तो भी नहीं, जल्दी नहीं लिख पाते। नाभादास ने भक्तमाल लिखा जो कि 1596 ईस्वी में आई थी, ईस्वी है यहां, विक्रम संवत यहां था, यहां ईस्वी में लिखा गया। ये अष्टयाम और भक्तमाल इनकी दो रचनाएं थी नाभादास की। ईश्वरदास की भरत मिलाप थी जिसमें इन्होंने राम के वनगमन के समय जब भरत जी अपने ननिहाल गए हुए थे, वापस आते हैं ननिहाल से लौट करके और सुनते हैं कि उनके बड़े भाई राम और उनका छोटा भाई लक्ष्मण और उनकी भाभी सीता जी वन को गई हैं, तो उनके मन में वैराग्य उत्पन्न होता है, उनके मन में बहुत खीज उत्पन्न होती है, पश्चाताप आती है, रोते रहते हैं, विलाप करते हैं, सोचते हैं कि कितना जल्दी मैं राम को मना करके लेकर के आ पाऊं और राम को मिलाने, राम को लेकर के आने के लिए वन तक जाते हैं। तो उसका बहुत अच्छा वर्णन इस भरत मिलाप में किया गया है जो कि ईश्वरदास द्वारा लिखी गई है। केशव दास द्वारा कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह चरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जसचंद्रिका, देखिए ये सब इनकी रचनाएं हैं, केशवदास जी द्वारा लिखी गई है। अब हम देखेंगे रामाश्रय के बाद कृष्णाश्रय शाखा के कवि और उनकी रचनाओं को। मित्रों एक चीज मैं यहां पे कहना जरूर चाहूंगा, हर एक काल की विशेषताएं रही हैं, उनको बहुत डिटेल में पढ़ा पाना और हर एक पुस्तक के बारे में डिटेल में बता देने से वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और बोरिंग हो जाएगी। इस बात का ध्यान में रखते हुए मैं महत्वपूर्ण चीजों को कवर करने की कोशिश करूंगा। डेफिनेटली आगे चल करके मैं, अगर आपका रिक्वेस्ट रहेगा, तो इसको और डिटेल में बनाऊंगा जहां पर बहुत सारी चीजें जो हैं वो भी कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कृष्णाश्रय शाखा के कवि और उनकी रचनाओं। अब मित्रों हम लोग देखेंगे कृष्णाश्रय शाखा के कवि और उनकी रचनाओं के बारे में। यहां पर मैंने कुछ कवियों के नाम लिखे हैं जिनके बारे में मैंने चर्चा की और इन कवियों की रचनाएं देख लीजिए। सूरदास जिनका समय बताया जाता है 1478 ईस्वी सन से लेकर के 1583 ईस्वी तक, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं सूरसागर, सूरसागर जिसमें कहा जाता है कि 1,25,000 पद थे, सूर सारावली, साहित्य लहरी, गोवर्धन लीला, भ्रमर गीत, नाग लीला, सुर संग्रह, सुर 25। मीराबाई जो कि भक्ति काल के कृष्णाश्रय शाखा की एक प्रमुख कवयित्री मानी जाती हैं, उनका समय 1504 ईस्वी से लेकर के 1563 ईस्वी तक माना जाता है। उन्होंने लिखा राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा का पद, गीत गोविंद टीका स्फुट पद, ये इनकी रचनाएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो भाषा थी, क्योंकि वो एक जगह नहीं रहती थी, अपने जीवन काल का अंतिम जो समय था वो उन्होंने ब्रज में बिताया था, तो इसलिए इनकी भाषा पर, इनकी रचनाओं पर ब्रज भाषा का भी प्रभाव है, साथ ही साथ राजस्थानी भाषा का भी प्रभाव देखने को मिलता है। उन्होंने लिखा है कि गिरधारी लाला मानी चाकर राखो जी, चाकर रहस्यों बाघ लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों, वृंद्रावनरी में की कुंज गलिन में गोविंद लीला गास्यों, सुमिरण में चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमिरण पास्यों खर्ची, भाव भगत जागीरी पास्यों, तीनों बाता सरसी, ऊंचा ऊंचा महल बड़ामन बिच बिच राखू बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यों पहर कुसुम्बी सारी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवणो घड़ो अधीरा। तो उनकी रचनाएं अगर आप जब भी पढ़ेंगे कोई भी, उसमें आपको लगेगा कि उसमें ब्रजभाषा भी मिलेगी आपको और साथ ही साथ मारवाड़ी भाषा, मारवाड़ी के साथ साथ आपको वहां की अन्य भाषाएं जो राजस्थान की हैं, और इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं का भी समावेश, उनको देशज भाषा के शब्दों का भी समावेश देखने को मिलता है। बिहारी जी ने लिखा बिहारी सतसई, सतसई जो उनकी थी पुस्तक उसमें 719 दोहे थे। रहीमदास, रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, रास पंचाध्यायी, बरवै नायिका भेद और रहीम रत्नावली, इनकी सारी रचनाओं का ऐसा कहा गया है कि संपादन रहीम रत्नावली में, संग्रह रहीम रत्नावली में किया गया है। रसखान जी जिनका समय 1533 से लेकर के 1618 ईस्वी माना जाता है, इन्होंने लिखा सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम। अब मित्रों हम जानेंगे, ये हो गया आपका
दो शाखा के कवि, सगुण सगुण भक्ति शाखा में आपका रामाश्रय और कृष्णाश्रय हो गया। अब हम निर्गुण भक्ति शाखा में जानेंगे कि ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय, यानी कि संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं क्या क्या है। अब मित्रों हम देखेंगे संत काव्य धारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में, संत काव्य धारा के कवि या उनकी रचनाएं। तो कौन कौन से संत काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, मैं ऑलरेडी इन पर चर्चा कर चुका हूं, थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। कबीरदास जी ने जिन्होंने बीजक लिखा, बीजक के तीन पार्ट थे, साखी, सबद और रमैनी। साखी मतलब साक्षी, साक्षी का मतलब है गवाह। ये बात भाई हमारी, ये बात साक्षी है कि, या ये व्यक्ति साक्षी है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत नहीं किया, साक्षी यानी गवाह। तो इनकी साखियां जो हैं वो ये गवाह हैं कि भक्ति काल में, उस समय में तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था किस ढंग की थी और किन चीजों पर इन्होंने कुठाराघात किया, कई चीजों का इन्होंने विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, समाज में फैली तमाम तरह की जो बुराइयां थी, चाहे वो जाति प्रथा की रही हो, चाहे वो धार्मिक सांप्रदायिक विवाद रहे हो, चाहे समाज में छुआछूत या छोटे बड़े का भेदभाव रहा हो, इन सारी चीजों पर उन्होंने कुठाराघात किया है अपने साखियों के माध्यम से। साखियों में क्या है, दोहे हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इन्होंने रचना कैसे की होगी बीजक की। तो देखिए, ये पढ़े लिखे नहीं थे, इन्होंने खुद कहा है कि मसि कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मैंने मसि मतलब इंक, स्याही, मैंने मसि यानी इंक को यानी स्याही को और कागज, कागज यानी कागज, गयो नहीं, गयो नहीं मतलब अपने हाथ में नहीं पकड़ा, मसि कागज छुयो नहीं, मैंने स्याही और कागज को छुआ नहीं है, और कलम गयो नहीं हाथ, और कलम को मैंने कभी हाथ में नहीं लिया है। तो इसका मतलब ये दोहा ये बताता है कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। वो काफी अच्छे कुल की थी, तो विधवा होने के कारण अब ऐसा कहा जाता है कि रामानंद ने उन्हें पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया था, वो विधवा थी, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं उसका कारण कुछ और रहा है, तो बड़ा विवाद है इनके जन्म से संबंधित, लेकिन इतना माना जाता है कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, लोकलाज के डर से वो वाराणसी, जो इसको हम काशी कहते हैं, बनारस जो हमारा शहर है, वहां का मैं रहने वाला हूँ, तो उस बनारस में एक तालाब है जिसका नाम है लहर तारा तालाब। उस लहर तारा तालाब की सीढ़ियों पर छोड़ करके वो चली गई थी, लहर तारा तालाब के पास में। वहां से गुजरने वाले जो जुलाहे थे, जो कपड़े बुनने का कार्य करते थे, एक दंपत्ति जिनका पति का नाम था नीरू और पत्नी का नाम था नीमा, उन्होंने इनको उठाया और इनका पालन पोषण किया। बड़े होकर के ये अपने माता पिता जो इनके इनके पालनहार थे, जो पालन पोषण उनका इनका जिन्होंने किया, उनके ही व्यवसाय को इन्होंने अपना व्यवसाय मना लिया। वे भी कपड़ा बुनते थे, ये भी कपड़ा बुनने लगे। फिर क्या हुआ, साधु संतों के संपर्क में रहने के कारण इनको थोड़ा ज्ञान बढ़ा और इन्होंने समाज में फैली बुराइयों का अपनी भाषा में विरोध करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, इनके जो शिष्य थे इनका नाम था धर्मदास, ठीक है, इन्होंने इनकी कही हुई बात को एक ग्रंथ में समाहित किया जिसका नाम था बीजक, और इसके तीन पार्ट है, साखी, सबद और रमैनी, ठीक है। सबद और रमैनी ये पद है, साखी जो है दोहे के रूप में लिखी जाती है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, संत संप्रदाय में, संत काव्य धारा में भगवान की भक्ति का इन्होंने कई जगह ऐसा लगा है कि पत्नी अपने को समझ करके और ईश्वर को पति समझ करके भी इन्होंने रचनाएं की हैं। सबद इनका एक है, दुल्हनी गावों मंगलचारी, हम घर आई हो राजा राम वरतारी, तो तन रति करी मैं मन रति करी हूं। तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि दुल्हनी गावों मंगलचारी, हम घर आए हो राजा राम वरतारी, यानी इन्होंने राजा राम, यहाँ राम कहने का तात्पर्य दशरथ के पुत्र सीता के हस्बैंड और लक्ष्मण के बड़े भाई से नहीं मतलब है, बल्कि यहाँ राम कहने का मतलब निर्गुण निराकार ब्रह्म से है। इन्होंने राम शब्द का प्रयोग किया है, वो अलग बात है, क्योंकि रामानंद के संपर्क में रहने से रामानंद को शिक्षा दिए थे भाई राम राम कहो, ये राम राम कहना चालू कर दिए। लेकिन ये एक्चुअली रियल रूप में देखे तो ये निर्गुण संप्रदाय के थे, निर्गुण भक्ति शाखा के थे, ईश्वर को निराकार मानते थे। तो इन्होंने राम को उस अयोध्या के नरेश वाले राम की पूजा नहीं की, बल्कि राम का मतलब इनका तात्पर्य था ईश्वर से। तो दुल्हन गावों मंगलचारी,
हम घर आए हो राजा राम भरतार, यानी हमारे घर ईश्वर आएंगे। भरतार मतलब यूपी और बिहार में पतियों को भतार कहा जाता है, भरतार यानी पति, ठीक है। तो भरतार शब्द का प्रयोग यानी कि भगवान को इन्होंने क्या माना है, पति के रूप में। फिर इसके बाद इन्होंने कई जगह ईश्वर को अपना, अपनी माँ और अपने को उनका पुत्र मान करके, जैसे हरि जननी मैं बालक तेरा काहे न बक्से हूं अवगुण मेरा, सुत अपराध करे दिन केते जननी कैचित रहे न केते, कर कही केश करे जो खाता तव न हेत उतारे माता, का मांगू कुछ थिर न रहा देखत नैन चला जग जाई, इकलख पूत सवालख नाती तार रावण घर दिया न बाती, ठीक है। लंका सो कोट समुद्र सिखाई तार रावण की खबर न पाई, तो काम आंगू कुछ थिर न रहाई देखत नैन चला जल जाई। तो ये शब्द है कबीरदास द्वारा लिखा गया, ठीक है। और साखियों में तो आपने उनकी बहुत साखियां पढ़ी होंगी, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप उन शीतल होए, तो ऐसी कई साखियां उन्होंने लिखी जहां नीति परक बातें कही गई है, समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने की बातें कही गई है। अब आ जाइए इनकी भाषा क्या थी, पढ़े लिखे थे नहीं तो साधु संन्यासियों के संगत में आते थे, उनकी सेवा सत्कार करते थे, उनके द्वारा बोली गई अच्छी बातों को ग्रहण करते थे। अब वो साधु संन्यासी किसी एक क्षेत्र के तो थे नहीं जिनसे इनकी मुलाकात होती थी, अलग अलग क्षेत्रों के थे, इसलिए भाषा क्या हो गई, कई भाषाओं के शब्दों का मेल इनकी भाषाओं में देखने को मिला। और इनकी भाषा को श्याम सुंदर दास जी ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा को किसने कहा है, तो श्याम सुंदर दास। इनकी इनके ग्रंथ का नाम क्या है, बीजक। कितने हिस्से में विभाजित है वो साखी शब्द रामायणी, तीन हिस्से में, ठीक है। इनकी भाषा को सधुक्कड़ी, सधुक्कड़ी नाम क्यों दिया गया, क्योंकि साधु संन्यासियों की भाषा थी। तो सधुक्कड़ी किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इनकी इनको भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है, कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको भाषा का डिक्टेटर कहा है। आगे रैदास जी की बात करते हैं, 1398 से लेकर के 1540 ईस्वी तक इनका समय रहा रैदास जी का। रैदास जी चमार जाति के थे, चमार चर्मकार, जो चमड़े का व्यवसाय करते हैं। चमड़े का व्यवसाय करने का मतलब पशुओं के चमड़े से चप्पल जूते बनाना, ठीक है, इत्यादि का कार्य करते थे। तो जूते का व्यवसाय था, चप्पल मरम्मत का कार्य किया करते थे। तो जाति के चमार थे, छोटी जाति के थे। मीरा ने इनको अपना गुरु माना है। ईश्वर महिमा और ज्ञान और भक्ति परक काव्य, इनके ये दो ग्रंथ मिलते हैं, ईश्वर महिमा, ज्ञान और भक्ति परक काव्य, ठीक है। और इनके 40 पद जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिखों का प्रमुख धर्म ग्रंथ है, उसमें सम्मिलित किए गए हैं। इनके कितने पद, 40 पद। प्रश्न आ सकता है जाति क्या थी, चमार, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि इनकी एक रचना मैं पढ़ा भी चुका हूं कक्षा 9वीं में सीबीएसई बोर्ड में, जिस विद्यालय से मैं संबंधित था और हूं अभी भी, ठीक है। तो काफी सालों तक मैंने इसको पढ़ाया, ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ 12-13 साल मैंने पढ़ाया। और वो कविता थी, ऐसी लाल तुझबिन कौन करे गरीब निवाज, गुसैया मेरे माथो छत्र धरे, जाति छूत जगत को उलागे तापर तू ही धरे, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद काहू तेन डरे, कबीर सधना सेन उतरे। ऐसा करके उन्होंने एक पद लिखा जिसको मैंने पढ़ाया है। तो इन्होंने ईश्वर अपने, इनकी जो भी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी उसका श्रेय इन्होंने 100% ईश्वर को दिया है। तो ईश्वर को अपना स्वामी माना है, अपने को उनका दास माना। उन्होंने कहा भी है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बारती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रहे दासा। तो इनकी कविताएं जो है इस तरह की हुआ करती थी, जहां ईश्वर को इन्होंने अपना सर्वस्व माना और अपने को दास मान करके उनकी भक्ति किया। तो वहां और इन्होंने निराकार ब्रह्म की, ठीक है। अब उनकी कविताओं में कहीं भी आपको नहीं लगेगा कि उन्होंने कृष्ण की या भगवान शिव की या इंद्र की या किसी अन्य देवी देवता की जो हिंदू धर्म में है उनकी पूजा आराधना की हो। तो उन्होंने ईश्वर को निर्गुण निराकार माना और अपने ज्ञान के माध्यम से, ठीक है, एक संत स्वभाव अपनाते हुए कविताओं की रचना की। आगे आ जाइए नामदेव की, जो कि महाराष्ट्र के प्रमुख संत माने जाते हैं। 1270 ईस्वी से लेकर के 1350 ईस्वी तक इनका कार्यकाल माना जाता है। वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा संप्रदाय होता है,
माना जाता है और बड़ा सम्मान है इस संप्रदाय का, उस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। अभंग पद, ठीक है, अभंग पद आपने देखा होगा कि एक तरह का सितार लेकर के एक तार वाला, ठीक है, अक्सर महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो साधु संन्यासी ऐसे घूमते हुए भिक्षा मांगते हुए नजर आ जाएंगे, तो वो जो गाते हैं वो अभंग पद होता है। तो अभंग पद की नामदेव जी ने रचना की है। अब आ जाते हैं नानक, नानक यानी गुरु नानक जी। गुरु नानक जी भाई विवाहित थे, ठीक है, गुरु नानक जी विवाहित थे, इनके दो पुत्र भी थे और इनका जो समय माना जाता है 1469, ठीक है, 69 ईस्वी से लेकर के 1538 ईस्वी तक ये पंजाब के ननकाना साहिब में इनका जन्म हुआ। और इनकी रचनाएं क्या है, जपुजी, आशा दीवार और नसीहत नामा। अब हम आ जाएंगे संत काव्य के बाद सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं देखें। अब मित्रों हम देखेंगे सूफी काव्यधारा, सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। यहाँ मैंने कुछ प्रमुख कवियों के नाम लिखा है जिनके बारे में ऑलरेडी चर्चा कर ली है और इनकी अब हम रचनाएं और उनके बारे में कुछ और जानकारियां देखेंगे। जायसी यानी मलिक मोहम्मद जायसी, जिनका जन्म 1500 ईस्वी माना जाता है, ठीक है, संभावित इनके जन्म के विषय में थोड़ा विवाद जरूर है, विद्वानों में थोड़ा मतभेद है, लेकिन कुल मिलाकर के 1500 ईस्वी एक सामान्य मत के अनुसार इनका जन्म माना जाता है। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के जायस स्थान को माना जाता है, इसमें भी थोड़ा मतभेद है। सूफी फकीर शेख मोहिदी के ये शिष्य माने जाते हैं, जिसको हम मोहिउद्दीन कहते हैं, इनके ये शिष्य थे जायसी जी। जायसी जी के गुरु थे शेख मोहिदी और ऐसा माना जाता है कि ये किसी दुर्घटना के कारण अपनी एक आंख गंवा चुके थे काफी कम उम्र में ही, और किसी दुर्घटनावश इनके पुत्रों की मृत्यु भी हो गई। तो इनके जितने पुत्र थे सभी किसी दुर्घटना के कारण मारे गए और जिसके बाद इन्होंने वैराग्य ले लिया था, एक तरफ समझ लीजिए देश सांसारिक दुनिया छोड़ दी थी, सांसारिक नातों को रिश्तों को सब कुछ छोड़ करके पूरी तरह से वैराग्य ले लिया था। तो इनकी जो पुस्तक है, जो प्रमुख पुस्तक है पद्मावत, जो 1540 ईस्वी में लिखी गई, लिखना स्टार्ट इन्होंने 20 वर्ष पहले 1520 में ही ईस्वी में ही शुरू कर दिया था, लेकिन 200 वर्ष लग गए इसको पूरा करने में। पद्मावत 1540 ईस्वी, अखरावट आखिरी कलाम इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। मुल्ला दाऊद सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, ये भी चंदायन इन्होंने लिखा जो 1379 ईस्वी है ये, ठीक है, ये पुस्तक आई थी 1379 में। कुतुबन और ये चंदायन जो है ये एक प्रेमाख्यान है, प्रेमाख्यान मतलब प्रेम का वर्णन है, इसमें प्रेम गाथा है। कुतुबन जो है इसको कुतुबन जी ने मृगावती लिखा, 1503 ईस्वी में प्रकाशित हुई या 1503 ईस्वी में आई थी, यह भी ऐसा माना जाता है रामचंद्र शुक्ल ने इसको भी एक प्रेमाख्यान माना है। मंझन जी भी सूफी काव्यधारा के कवि हैं, इन्होंने मधुमालती लिखा है, 1545 ईस्वी में ये रचना आई थी। तो इनकी जो ये रचनाएं, अब देखिए कौन कौन से कवि हो गए, जायसी जी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन और मंझन। तो आज हम लोगों ने भक्तिकाल का समय जाना, भक्तिकाल का दूसरा नाम क्या है, भक्तिकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है, भक्तिकाल प्रारंभ होने के पीछे कौन प्रमुख कारण है, राजनीतिक कारण क्या है, सामाजिक और धार्मिक कारण क्या है, इसके बाद भक्तिकाल कितनी शाखाओं में विभाजित हुआ, सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा, सगुण में आपने रामाश्रय पढ़ा, कृष्णाश्रय पढ़ा और इसके बाद निर्गुण में आपने संत काव्यधारा पढ़ा और सूफी काव्यधारा पढ़ा और उसके प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा। तो मित्रों मैं समझता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, थोड़ा विलंब जरूर हो गया क्योंकि बिजली हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं थी और पूरा दिन नहीं थी और ये आई है काफ़ी लेट, इसलिए जो वीडियो का जो सही टाइम था आपको भेजने का वो थोड़ा विलंब हो गया, उसके लिए क्षमा करें। आप देख सकते हैं मैं पसीने से पूरा लथपथ हूँ, तो आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हूँ। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।